नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफ़ी झकझोर कर रख देने वाली है, काफ़ी दर्दनाक भी है। इस खबर को जिसने भी सुना दंग रह गया। ये मामला मुमरा से सटे सील डाई घर की है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम आपको बता दें, पति पत्नी और एक 6 साल की मासूम बेटी, 3 लोग एक साथ एक ही जगह पर 3 अलग अलग फंदे लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये काफ़ी डरावनी है, लेकिन ये कहानी हकीकत है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है मृतक पति पत्नी की और 6 साल की मासूम बेटी की है। जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि पिता ने पहले बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाया, फिर अपनी पत्नी को भी, उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। और इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी सबिया हुसैन शेख के पास क्या जानकारी है, पहले सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हम है दहीसर के वाकलन गांव में। यहाँ पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके जो ऊपर का टॉप फ्लोर है, यहाँ पे दिल दहला देने वाली एक घटना हुई है। पति शिवराम पाटिल और उनकी पत्नी दीपिका पाटिल और उनकी 6 साल की बच्ची अनुष्का पाटिल, इन तीनों ने फांसी लेके आत्महत्या की। आत्महत्या करने का क्या कारण है, हमें सील डाइगर पुलिस स्टेशन द्वारा पता लगा कि आत्महत्या का कारण ये बताया गया है कि जो रिश्तेदार है शिवराम पाटिल के और दीपिका पाटिल के, जो रिश्तेदार है वो प्रॉपर्टी को लेके, यानी जमीन जायदाद को लेके आपसी मामले में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। इसीलिए इस कारण के वजह से दीपिका पाटिल, शिवराम पाटिल और उनकी 6 साल की बच्ची अनुष्का पाटिल, ये तीनों ने आत्महत्या के। सील डाई घर के हद में एक गाँव है जिस गाँव का नाम वाकलन है। इस आत्महत्या के पीछे पहले तो गाँव के लोग परेशान थे, आखिर ये सब कैसा हुआ, और दूसरी तरफ पुलिस भी परेशान थी, क्योंकि जिस जगह पर घटना घटी वाकलन गांव में, पुलिस इसलिए कंफ्यूज थी, सुसाइड नोट पर लिखा था मानपाड़ा पुलिस इस पर एक्शन ले, लेकिन सील डाई घर पुलिस की हद निकला। हम आपको बता दें, मृतक शिवराम रामा पाटिल और पत्नी दीपिका शिवराम पाटिल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, और उसमें लिखा था आत्महत्या करने की मुख्य कारण है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन झगड़ा होता था, जिसके चलते पति पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ सुसाइड कर ली। सुसाइड की घटना कल रात 12 बजे की घटी है, और जिस वक्त घटना घटी, यानी आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर पहले व्हाट्सएप पर अपने भाई को, जो है जो डोंबोवली में रहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा था, और जिसके बाद भाई ने वाकलन गांव में फ़ोन किया रिश्तेदारों को तो पता लगाने के लिए, लेकिन पता चला पति पत्नी और 6 साल की बेटी सहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें फिर से। ये वो ज़मीन है जिसको लेकर हमेशा आपस में झगड़ा होता था, और इसी ज़मीन के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल सुसाइड नोट में जो लिखा है हम वही बता रहे हैं। वसंत रामा पाटिल और रमाकांत रामा पाटिल इस आत्महत्या के पीछे मेन जड़ जो है बताए हैं, उसमें सुसाइड नोट में लिखा है, और 10 लोग हैं जिनका नाम लिखा गया है, यानी टोटल 12 लोग जो है, 12 लोगों पर आरोप लगा है, मृतक ने आरोप लगाया है। मृतक ने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है, हमारी हिस्से की जमीन दागिने हैं जो वो श्रीनाथ केशव कीड़े को दे दें, यानी पत्नी का जो भाई है उसे दे दें, और नावली में रहने वाली मेरी बहन है जनाबाई अशोक सालून के गंधन, और 50,000 रुपये वापिस कर दिए जाए। यह आत्महत्या है या किसी ने इसके पीछे षड्यंत्र रचा है, आखिर क्यों मृतक ने ऐसी कदम उठाया, क्या जमीनी विवाद ही है या फिर और कोई कारण है। बहरहाल पुलिस तह तक छानबीन कर रही है। अभी ये वाकलन गांव में 3 लोगों का सुसाइड केस में 306 के मुताबिक गुना दाखिल हो रहा है, और जो कि लीगल एक्शन है वो कायदे के अनुसार लिया जा रहा है। तो इसमें अभी जो भी नाम ले रहे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या क्या रोल है उसमें अगर रिवील होता है तो आगे की एक्शन ली जाएगी। तो ये जो 12 आरोपियों का नाम दिया जा रहा है, ये रिश्तेदारों के नाम दिए जा रहे हैं, तो इन लोगों को, 12 जनों को अरेस्ट किया आपने? नहीं, अभी फिलहाल जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में क्या आगे रिवील होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक इन पे कितने कलम लगे हैं? नहीं, अभी जो भी फिलहाल 306 से मामला दर्ज हुआ है, आगे देखेंगे। कितने लोगों को
सर आपने अपने हिरासत में लिया है? नहीं, अभी जांच चल रही है, अभी तक फिलहाल हमने अरेस्ट किसी को नहीं किया। यहाँ तक जिन लोगों का नाम मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है उनको भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिस तरह से ये घटना घटी है, जिसको लेकर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, इस पूरे मामले में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।